सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे मौलाना की मुलाकात भी हो गई नवाज़ शरीफ साहब से, तो क्या वहाँ पे कोई तरमीम के हवाले से, आईनी तरमीम के हवाले से कोई डिस्कशन हुई? मेरे ख्याल में कोई ऐसी बड़ी डिस्कशन तो हो नहीं सकती थी क्योंकि ओकेजन नहीं था। ओकेजन तो फ़लस्तीन के हवाले से था या गज़ा के हवाले से था या जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर उसके हवाले से था। कोई अगर कोई हुई है तो मैं चूँकि मौजूद नहीं था, मुझे पता नहीं है। मगर वैसे जो है ना, मुझे लगता नहीं कि कोई अगर कोई बात हुई भी हो तो थोड़ी बहुत बात हुई हो तो नहीं कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, अब ये कुछ घूमती दोस्त ये बता रहे हैं कि SEO समिट के बाद ये तरमीम लाई जाएगी और आप लोग भी कोई मसवदा तैयार कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आपका जो मसवदा है सर, क्या उसमें आईनी कोर्ट शामिल है? देखिए, मसौदा जो है मौलाना आजकल में जो है वो कहीं भी ओपन कर देंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ या पार्टीज के साथ या वैसे भी इंटेलेक्चुअल इनपुट हमें चाहिए उस पर। तो वो मौलाना गए हुए कराची गए हैं तो उनके पास है वो डॉक्यूमेंट्स, तशरीफ लाते हैं तो फिर ओपन कर देंगे। जी अच्छा, इसमें सर ऑपोजिशन पार्टीज के साथ आपने किसी के साथ अभी तक ये शेयर नहीं किया? नहीं किया, हम चाह रहे हैं कि पार्टी हेड खुद जो है ना इसको शेयर करे जिस तरह से भी चाहे मुनासिब उसको। बेहतर तरीका यही है कि वो पार्टीज के साथ भी शेयर कर लें और इंटेलेक्चुअल इनपुट के लिए भी शेयर कर लें। ठीक है। सो वंस सर ये जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद अगर कोई ऐसी तजवीज़ आई जो आप समझ से किसी और साइड से, क्या उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? देखिए, इंटेलेक्चुअल इनपुट लेने का मतलब ही यही है कि हम उसको जो चाहते हैं कि हमारी गलतियां निकाली जाए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई चीज जो हमने जो बनाई है वो कोई एब्सोल्यूट है। हम अपनी गलतियों पे इतराजात जो है ना वो इनवाइट कर रहे हैं और जितना वो बेहतर बनेगा वो जाहिर है पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा होगा। उसमें जो गलतियां होंगी वो निकालें तो उस सारे बैठ के। अच्छा सर, जब आप इंटेलेक्चुअल इनपुट का कहते हैं, ऑब्वियसली फिर वाइडर जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनकी तरफ भी इशारा है ये। अब सियासतदानों से तो मुशावरत होगी, लेकिन आज सिंध जो हाई कोर्ट बार है, सिंध बार, उसने इसको रिजेक्ट किया है आईनी अदालत को। इससे पहले बलोचिस्तान बार का वाज़े मौकिफ है, लाहौर हाईकोर्ट बार का मौकिफ वाज़े है, पिशावर हाईकोर्ट बार का मौकिफ वाज़े है, इस्लामाबाद जो हाईकोर्ट बार है उसका मौकिफ वाज़े है। तो क्या वकला का जो इनपुट है, ये जो बार काउंसिल्स हैं, ये भी मुशावरती अमल का हिस्सा होंगी? इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं वकला का तो काम ही है ना, वो प्रोफेशनल हैं और इस लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। गलतियां तो वो हमारी सबसे पहले वही निकाल सकेंगे, वो उसके जो ना इवेंचुअलिटीज को जो है ना उनसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक। तो हम चाहते हैं कि वकला जो है उसको एग्जामिन करें और वो फिर जो है ना वो अगर तहरीरी शक्ल में देंगे तो अच्छी बात है, वरना को मैसेजेस कर लें चले उस तरह से भी चलेगा शायद, मगर गलतियाँ निकालें हमारी। अच्छा सर, हुकूमत ने कोई मजीद मसवदा आपको दिया है जिस जो हुकूमत लाना चाहती है, क्या उस हवाले से कोई अपडेट है? अगर पीपल्स पार्टी को आप हुकूमत समझते हैं तो पीपल्स पार्टी ने एक मसवदा यकीनन दिया है, और अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं समझते तो फिर वो इनिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो 56 क्लाजेस वाला है, उसके अलावा फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। ठीक। तो वो अगर कोई जिस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियली जो है ना वो हुकूमत ओन करेगी उस फिर हम अपना कर सकेंगे। वैसे सर मैं तो जाती तौर पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत समझता ही हूँ, इसलिए कि उन्हीं के वोटों से इस वक्त हुकूमत चल रही है। तो क्या उसमें सर आईनी अदालत का और ये जो जजेस की सीनियोरिटी वाला मामला है, जो अब एक कुमती शख्सियत से आज बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि जनाब ये जो सीनियोरिटी का प्रिंसिपल है तो इसके ऊपर भी हम नजरसानी कर सकते हैं कि कोई 4-5 जजेस के पैनल में से कोई चीफ जस्टिस आ सकता है, क्या कोई ऐसी चीज़ है उस मसवदे में सर? इसमें ख्वाहिश तो उनकी यही है कि कोई अपना पैनल हो और उसमें कभी दोस्त जो है ना 5 की बात करते हैं, कभी 3 की बात करते हैं और साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं। तो हम अपनी जो है मुतबादल तजावीज़ दे रहे हैं, वो जैसी हमारी मुतबादल तजावीज़ आती हैं तो फिर सारे को जो है ना फिर लोग एग्जामिन करें, फिर जो भी दोस्त उसमें कहेंगे, जो एतराज़ात आएंगे, जो कुछ हमें जो फीड किया जाएगा उसके नतीजे में बेहतर जो है ना उसको बना सकेंगे हम डॉक्यूमेंट को। सर इस वक्त जो सिचुएशन है वफाक और KPK के दरमियान, गवर्नर राज की भी बातें होती रहीं यहाँ पे, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या फिर ये एक वो सियासी जो है पॉस्चरिंग है, कोई ज़्यादा इसको हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए? देखिए, गवर्नर रूल की बात दो के जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, मगर ये जो है ना इसको गैर जमहूरी है और इसके पीछे जो है ना वो ऐसी सोच है कि जो बिल्कुल जो है ना गलत तौर पे इसका इस्तेमाल होता है।
इसको हम रिजेक्ट करते हैं, और बावजूद इसके कि पीटीआई के साथ हमारा स्पेशली सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आपस में हमेशा मुकाबला रहता है, और बाज़ जगह पे हम उनको एक्सेप्टेबल नहीं होते, बाज़ जगह पे वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होते, मगर इसके बावजूद हम इस बात की मुखालफत करेंगे कि अगर उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया गया और उसके नतीजे में गवर्नर रूल जो है ना इम्पोज किया गया, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक, अच्छा सर, आपकी जमात को गैर मामूली तौर पे जितने भी सेगमेंट्स डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनसे हम बात करें तो वो एक क्रेडिट आप लोगों को दे रहे हैं कि जिस किस्म की आइन के ऊपर शबखून मारने की कोशिश की गई उसके रास्ते में आप लोगों ने एक तरह से बंद बांधा और जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी इस वक्त मजबूरी है कि अभी हम एक आइनी तरमीम लेके आएँ, क्योंकि इस जो असम्बली के हवाले से मौलाना के भी तहफ़ात हैं, दीगर जमातों के भी तहफ़ात हैं, और इस वक्त जिसे कहते हैं ना वो एक आम तासुर ये है कि किसी और को खुश करने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके, जज साहिबान को कंट्रोल किया जा सके, तो इस मौके के ऊपर क्या मुनासिब नहीं होगा कि इसको मौखर कर दिया जाए? फिलहाल मौलाना कह चुके हैं कि इसको मौखर करें, कम अज़ कम इतने दिन तो मौखर करें जितने दिन जो है ना ये कॉन्फ्रेंस होनी है, और उसके बाद भी अगर मौखर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें अच्छाई के लिए जो है इनपुट लिया ले और तमाम बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशंस को इस हवाले से जो है ऑन बोर्ड लें, नहीं लेंगे तो नुकसान होगा। जो लोग इससे मुतल्लिक लोग हैं उनसे, इवन रिटायर्ड जजेस से और इवन जो मौजूद अदलिया है उनसे पूछें कि इसमें जो उनकी तजावीज़ हैं ये काबिल अमल हैं या नहीं है, ये काबिल अमल हो सकती हैं या इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। और ये भी पूछें कि अगर मतलब जो आज के हालात हैं, जो लोगों के तहफ़ात हैं इस अदलिया के हवाले से, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये मेरा ख्याल है मामला सीधे हो सकते हैं अगर हमने हमारी नीयतें अच्छी हों तो। ठीक है, अच्छा सर, ऑब्वियसली कि आपका जो मसवदा है उसमें थोड़ी बहुत तो गुंजाइश होगी, आप देखेंगे कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी, तो इस देर चांस के ये हम किसी स्टेलमेट में चले जाएँ कि आप हुकूमत वाले मसवदे को ना माने, हुकूमत वाले दोस्त आपके मसवदे को ना माने और चीज़ें पूरी जो है वो खटाई में पड़ जाएँ? देखिए मौलाना के स्टेटमेंट का इंतजार करिए, मौलाना शेयर करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये पार्टी लीडर का काम है कि वो इसकी इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है ना उसकी तरफ से आए, ना कि मेरे जैसे काम वर्कर की तरफ से। ठीक है, अच्छा दूसरा सर, इस वक्त जो मुल्क के अंदर ये एससीओ का समिट होना है उससे पहले एक जमात है पीटीएम, उसके ऊपर भी पाबंदी लगी, तहरीक इंसाफ वालों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, तो तासुर ये है कि पॉलिटिकल स्पेस मुल्क में कम होती जा रही है, तो आप समझते हैं कि ये जो आइनी तरमीम आएगी जिस शक्ल में भी आएगी वो जो मुल्क में लोगों के पोलिटिकल फ्रीडम्स हैं, जो पोलिटिकल स्पेस है उसको वो एक्सटेंड करेगी, ना कि उसको मजीद वो उसकी वजह से वो सिकुड़ जाएगी? देखिए बज़ाहिर तो ऐसा था कि आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है उन्होंने कंट्रोल करना था, स्नैच करना था, और इसीलिए जो है इसको अपोज किया था हमने, और जितना हमसे हो सका हमने किया इसको, बाकी जो है ना दोस्त बाकी भी अपना किरदार अपना किरदार तो अदा करते ना, ताकि हर एक की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाए, तो जो हमसे हो सका है वो हमने किया या जो हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं, बाकी दोस्त अपना अपना वजन उठाने की कोशिश करें।